हेलो माय डियर चिल्ड्रेन हाउ आर यू ऑल आई होप यर हीन हाथी एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर सिक्स इन योर बुक्स फर्स्ट फ्लाइट एंड द टाइटल इज द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट टू बच्चों पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हंड्रेड ड्रेसेज पार्ट टू रिटन बाय अल बसोर एस्टेयर और एलिनोर एस्टेस विद मी पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला ब्लॉक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट छज्जर तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए दिस टाइम वी हैव एन अमेरिकन राइटर अल बसोर एस्टेर और एलिनोर एस्टिस दोनों ही नामों से इन्हें जाना जाता है और इन्होंने चिल्ड्रंस स्टोरीज बहुत ज़्यादा लिखी हैं और उनमें से एक है द हंड्रेड ड्रेसेस दिस स्टोरी अस अ वेरी वैल्यूएबल लेसन एक्चुअली द राइटर टीचेज अस अ लेसन ऑफ नॉट टू हर्ट एनी बडीज फीलिंग हमें किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए यही इस चैप्टर में राइटर कहने जा रही हैं हमसे दिस स्टोरी इज अबाउट द मैटर दैट डजेंट मिसट्रीट एनी वन फॉर बींग डिफरेंट हम सब अलग अलग हैं लेकिन अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से बुरा व्यवहार करें मिसट्रीट करें This story is teaching everyone that we should never make fun of the unique differences of our fellow human beings। hum हम ke andar अंदर बच्चों अलग एक दूसरे से अनोखे डिफरेंट टैलेंट्स हैं डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें औरों से भिन्न बनाती हैं और ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें उन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन डिफरेंसेस को लेकर किसी को टीज नहीं करना चाहिए चिढ़ाना नहीं चाहिए एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देम एज दे आर हमें सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वो है तो बच्चों हाफ ऑफ द स्टोरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट वन थोड़े से समरी में तुम्हें बता देती हूँ पार्ट वन में हमने क्या किया था द हंड्रेड ड्रेसेज इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंसेज ऑफ द राइटर राइटर के खुद के अनुभवों के आधार पर उन्होंने ये कहानी लिखी है द हंड्रेड ड्रेसेस कहानी में जो मैडी का कैरेक्टर है मैडालाइन वो करेक्टर रिलेट करता है राइटर को इट इज़ अबाउट अ गर्ल हु इज टीज बाय हर क्लासमेट्स ये पूरी कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे उसके क्लासमेट्स चिड़ाते थे दिस गर्ल्ल वॉज वेंडा हु ऑलवेज क्लेम्स वो हैविंग वन हंड्रेड ड्रेसेज उस लड़की का नाम है बच्चों वेंडा प्रेटनास्की द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी और वो बच्चे हमेशा उसे चिरा कर पूछते थे तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं और वो हमेशा कहती अ हंड्रेड ड्रेसेस हर क्लासमेट्स ऑलवेज मेड फन ऑफ हर इस तरह से उसके क्लासमेट्स हमेशा उसका मजाक उड़ाते जिनमें पैगी का नाम मेन है एज अ क्लेम वॉज इन कॉन्ट्रोडक्शन ऑफ़ द फैक्ट देट शी ऑलवेज केम टू स्कूल वियरिंग द सेम ड्रेस हर क्लासमेट्स अज्यूम्ड हर नेम टू बी फनी तो बच्चों वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेवरिट ड्रेस ही पहन कर आती थी स्कूल में और वो ये कह रही है कि उसके क्लॉजिट के अंदर उसकी अलमारी के अंदर सो ड्रेसेस हैं तो इस वजह से जो पैगी थी उसका मजाक उड़ाया करती थी वो ये चाहती थी कि वो झूठ क्यों बोल रही है वेंडा जब उसके पास कपड़े है नहीं तो वो झूठ बताने का प्रयास क्यों कर रही है और उसका नाम बच्चों वो पॉलिश गर्ल थी पोलैंड के रहने वाले थे जो इमिग्रेंट थी अमेरिका में रहने आई थी अपने परिवार के साथ तो उसका नाम था बच्चों वेंडा प्रेटनोसकी तो थोड़ा अलग नाम था इसलिए भी बच्चे उसको चिढ़ाते थे उसके फनी नेम की वजह से आप देख रहे हैं कैसे पैगी मैडी और अदर क्लास में स्टीज कर रहे हैं वेंडा को और वेंडा बच्चों देखो हमेशा फ्लूडी फेडिड ब्लू ड्रेस ही पहनती थी जो उन्होंने इस समय पहन रखी है हर नेम वॉट कॉमन बिकॉज शी केम टू एन अमेरिकन टाउन एज अ पोलिश इमीग्रेंट विद ह फैमिली तो बच्चों उसका नाम आम अमेरिकन लोगों से अलग था क्योंकि वो पोलैंड से आई हुई इमीग्रेंट थी इमीग्रेंट कौन होता है अ पर्सन हु मूव्स टू अ फॉरिन कंट्री टू लिव दर्मानेंटली जो किसी विदेशी जगह से विदेश से किसी देश में रहने आए वो व्यक्ति उस देश में इमीग्रेंट कहलाता है

ड्रेसेस uh, की फ़ोटो तो उस समय वेंडा ने हंड्रेड ड्रेसेस की फ़ोटो बनाकर सबमिट की बनानी थी बच्चों को एक या दो लेकिन उसने सो बनाई और वो वही सो थे जिनका जिक्र वो हमेशा पैगी और मैडी को करती थी अलग अलग कलर्स की सारे अलग अलग कलर्स के सारे बहुत ही खूबसूरत और बच्चों फाइनली पैगी को लग रहा था कि वो कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी लेकिन अंत में कॉन्टेस्ट को जीता था वेंडा ने और हमने यहीं तक पार्ट वन में स्टोरी पढ़ी थी नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट टू ये देखिए बच्चों लास्ट में हमने चैप्टर छोड़ा था यहां पर कि सभी इंजॉय कर रहे थे प्रेज कर रहे थे वेंडा की हंड्रेड ड्रेसेस की पिक्चर्स को मिस मैसन ने अनाउंस किया था रिजल्ट द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम द मोनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट जैसे ही क्लास ने सर्कलिंग द रूम मूव कर रही थी रूम के अंदर देख रही थी पिक्चर्स को एडमायर कर रही थी प्रिंसिपल्स ऑफिस से मॉनिटर मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल मिस मैसन ने वो नोट कई बार पढ़ा और थॉटफुली थिंकिंग डीपली उसके बारे में बहुत सोचा देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा अटेंशन क्लास एवरी वन बैक टू देयर सीट क्लास ध्यान दें सब अपनी अपनी सीट पर बैठे वेन द स्कफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट मिस मैसन सेट आई हैव लेटर फ्रॉम वेंडाजर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू अब बच्चों उन्होंने कहा ध्यान दे बच्चों अपनी सीट पर बैठ जाए और तब शफलिंग ऑफ फीट तो जो कदमों की आवाजें थी वो कम हो गई रुक गई सभी चुप हो गए अपनी सीट्स के अंदर बैठ गए और मिस मैसन ने कहा मेरे पास वेंडा के पिताजी का एक पत्र है जिसे मैं पढ़ना चाहती हूँ तो देखिए इस तरह से अब मिस मैसन बताएंगे कि लेटर में क्या लिखा है मिस मैसन स्टूड द अमोमेंट दाइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेंट तो बच्चों मिस मैसन वहाँ पर एक क्षण के लिए खड़ी रही कमरे में बहुत ज़्यादा शांति थी टेंस थे सभी सीरियस थे और एक्सपेक्टेड थे होपिंग फॉर समथिंग गुड कुछ ना कुछ होने वाला है एक्सपेक्ट कर रहे थे द टीचर अडजस्टेज है ग्लासेज स्लोली एंड डेलिब्रेटली अब टीचर ने अपने ग्लासेस को चश्मे को धीरे से एडजस्ट किया डेलीबरेटली जान बोझ कर इंटेंशनली हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉज कमिंग वॉट वॉज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस उनका जो ये हाव हाव था ये दर्शा रहा था कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो वेंडा के पिताजी का ये पत्र आया है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है वो बहुत महत्वपूर्ण है एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट अब सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे जैसे ही मिस मैसन ने वो लेटर पढ़कर सुनाया डी ये टीचर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर तो वेंडा के पिताजी लिखते हैं डी ए टीचर मेरी वेंडा आपके स्कूल नहीं आएगी जेक ऑल्सो जेक भी नहीं आएगा नाव वी मूव अवे टू अग सिटी हम एक बड़े शहर में रहने चले गए हैं नो मोर होलर पोलैक होलर मीन क्राई लाउडली अब कोई नहीं चिल्लाएगा तेज तेज पोलैक पोलैक क्या होता है बच्चों अ वर्ड सजेस्टिंग एंगर ऐसा वर्ड जो गुस्सा दिला दे नो मोर आस्क वाई फनी नेम कोई हमसे नहीं पूछेगा तुम्हारा नाम इतना मजाकिया क्यों है प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी बड़े शहरों में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े फ़नी नेम्स हैं तो हमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम इतना फ़नी क्यों है योर स्ट्रोली जैन प्रेटनास की और नीचे उन्होंने अपने लेटर के अपना नाम लिखा जैन पेटनास की तो बच्चों ये था लेटर जिसमें कि वेंडा के फादर ने बताया कि अब वो कभी भी स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो सभी बहुत ही ज़्यादा तंग है कि लोग उन्हें अजीब अजीब नामों से चढ़ाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं अदीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर जैसे ही मिस मैसन ने यह लेटर रीड किया वहाँ पर बहुत ज्यादा गहरी शांति छा गई मिस मैसन टुक ऑफ़ ऑफर ग्लासेस, ब्लू देम ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंड का चीक अब मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा उस पर फूक मारी उसको अपने सफेद रुमाल से साफ किया देन, शी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुकड एट द क्लास दोबारा उसने अपने चश्मे को पहन लिया और क्लास की ओर देखा वेन शी स्पोक हर वॉयस वॉज वेरी लो जब वो बोल रही थी उनकी आवाज़ काफी लो आ रही थी धीरे धीरे आ रही थी आई एम श्योर दैट टन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम थर्टीन वुड पर एंड डेलीबरेटली हर्ट एनिमल फीलिंग्स बिकॉज हिज हर नेम हैपन टू बी अलॉन्ग अन फेमिलियर वन अब उन्होंने कहा मैं ऐसा विश्वास करती हूँ बल्कि मैं श्योर हूँ कि रूम नंबर थर्टीन में किसी भी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा किसी को ठेस नहीं पहुँचाई होगी केवल जान बुझ कर डेलीबरेटली कि उनका नाम लंबा और अनफेमिलियर है अनकॉमन है अपरिचित है आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सेड was said इन थॉट लेसनेस और अब मैं मिस मैसन कहती है अब मैं ऐसा सोच रही हूं कि जो कुछ भी हुआ है जो कुछ भी कहा गया है वो थॉटलेसनेस की वजह से हुआ है विदाउट थिंकिंग बिना सोचे समझे किया गया है आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू दैट दिस अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन अब वो कहती हैं कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि ये जो चीज हुई है ये अनफॉर्चुनेट है अनलक्की है दुर्भाग्यपूर्ण है अनफॉर्चुनेट एंड सैड तो भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है दोनों ही एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट और मैं चाहती हूं कि आप सब इसके बारे में सोचें द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड पहला पीरियड पढ़ाई का पीरियड था मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क अब मैडी चाह रही थी कि वो अपना लेसन तैयार करे लेकिन उसका दिमाग उससे में काम ही नहीं कर रहा था वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ अ स्टमक उसके पेट में नीचे की ओर उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था True. she शी हैड नॉट listening to टू ask आस्क how हाउ मेनी she शी हैड इन closet, बट शी हैड said नथिंग बिल्कुल सच बात है कि मैडे को कभी भी अच्छा नहीं लगा कि Peggy वेंडा का मजाक उड़ाते हैं ये पूछकर कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है लेकिन गलती मैडे की भी है कि उसने आज तक कभी कुछ भी नहीं कहा वो हमेशा चुप रही तो देखिए बच्चों कैसे वेंडा का मजाक उड़ाते थे क्लासमेट्स

पैगी को समझ में नहीं आया था कि वो इतनी बैड मैंटेलिटी रखते हैं वेंडा के लिए लेकिन उसको समझ में आ गया था कि वो उसके साथ बुरा कर रहे हैं क्योंकि वो वेंडा के शू में अपने पाँव रखकर सोच पा रही थी बच्चों इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ कि वो वेंडा की जगह अपने आप को रख कर देख पा रही थी कि वेंडा को आखिर कितना बुरा लगता होगा जब पैगी उसे बार बार चिढ़ाने के लिए टीस करने के लिए उसे क्वेश्चन पूछते कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं गुडनेस वॉजट द एनीथिंग शी कुड डू क्या वो कुछ नहीं कर सकती थी इफ़ ओनली शी कु टेल वेंडा शी हैट हर फीलिंग्स काश वो वेंडा को बता पाते कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लान्स एट पैगी अब उसने अपने चेहरे को घुमाया और देखा सीक्रेटली चुपचाप पैगी की तरफ बट पैगी डिट नॉट लुक अप लेकिन पैगी तो अपना काम कर रही थी उसने ऊपर सिर उठा कर नहीं देखा शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी वेल वेद पैगी फेल बैडली योर नोट शी मैडी हैड टू डू समथिंग पैगी को बुरा लगा हो या ना लगा हो लेकिन मैडी को बुरा लगा था और उसे कुछ करना ही चाहिए इस बारे में शी हैड टू फाइंड वेंडा पेटनास्की मे बी शी हैड नॉट येट मूवड अवे उसे ढूंढना ही पड़ेगा वेंडा प्लेटनोस्की को क्या पता वो अभी अपने घर बॉगिन्स हाइट्स में ही हो गई ना हो मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद ह एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट शायद पैगी भी उसके पास बॉगिन्स हाइट्स पर चढ़े और वेंडा को बताए कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है दैट दि थाट शी वो स्मार्ट एंड हंड्रेड ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल और वह उसे ये भी बताएं कि वो स्मार्ट है होशियार है और उसकी सो की सो ड्रेसेज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है स्टपेंडस है मावलस है वेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून पैगी सेट विथ प्रिटेंडेड कैजलनेस हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किट हैज लेफ्ट नोट अब बच्चों जब स्कूल खत्म हुआ उस दोपहर पैगी ने कहा दिखावा करते हुए केयरलेसनेस का कि अरे चलो देखते हैं क्या वेंडा ने टाउन नगर छोड़ दिया या नहीं सो पैगीज द सेम आइडिया मैडी ग्लोड तो पैगी भी अपने दिमाग में यही आइडिया सोच रही थी कि उन्हें वेंडा के पास जाना चाहिए मैडी ग्लोड बिकेम होपफुल आशा की किरण दिखाई दी मेडी को पैग वॉज रियली ऑल राइट पैक भी बिल्कुल ठीक थी द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर्स सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल तो वो दोनों लड़कियां जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकली और बॉगेन हाइट्स की तरफ चल पड़ी उस नगर में उस समय फॉरबिडिंग एयर थी द रावनी मनहूस तरीके की हवा थी नवंबर में दोपहर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी सब कुछ डैम्प था वेट था और डिसमल था वेट और सैड उदासी भरा था और गीला था यहां पर इसका मतलब है होपलेसनेस कि उन्हें लग नहीं रहा था कि उन्हें वेंडा मिल जाएगी बट स्टिल दे आर गोइंग देयर टू फील सॉरी अबाउट देयर रिस्पेक्टिव बिहेवियर्स वेल एटलीस्ट सेट पैगी ग्रफली ग्रफली मीन्स अनफ्रेंडली वॉइस के अंदर रफली तुम कह सकते हो उसने कहा पैगी ने आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ अर नेम आई नेवर थाट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन फॉर एनी वे आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ अब पैगी कहती है बच्चों रास्ते में रफ वॉइस के अंदर कि मैंने उसे कभी फॉरनर विदेशी नहीं कहा ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया हम तो बस वैसे ही उससे मजाक कर लिया करते हमारी सेंस दूसरी थी हम उसे हर्ट करने के लिए उसके साथ मजाक नहीं करते थे और फिर भी वो कितनी डम थी गूंगी थी अनफीलिंग वाली थी और देखो वो कितनी ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग कर सकती थी उसने कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी हंड्रेड ड्रेसेस की मैडी कुछ से नथिंग मैडी ने कुछ भी नहीं कहा और शी हॉप वॉज दैट दे वुड फाइन बेंडा वो केवल यही आशा करे थी उन्हें वेंडा मिल जाए शी वॉन्ट टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थाट शी वॉज एंड प्लीज नोट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी नॉट नाइस बच्चों मैडी की भावनाएं देखी कितनी अच्छी हैं वो वेंडा के पास जाना चाहती थी उसे सॉरी करना चाहती थी कि उन्होंने उसके साथ मजाक किया और ये बताना चाहती थी कि पूरा का पूरा स्कूल ये सोचता है वो कितनी अद्भुत है वंडरफुल है, वेंड़ुत है। और अब वो नहा जाए इस शहर को छोड़कर इसी स्कूल में रहे इसी शहर में रहे सभी उसके साथ नाइसली प्यारी तरह से व्यवहार करेंगे और जो नहीं करेगा वो और पैगी उसे फाइट करेंगी कि तुम इससे अच्छे से क्यों नहीं बात कर रहे इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो द टू गर्ल्स हरीड ऑन दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क अब काफी जल्दी जल्दी लड़कियां जा रही थी पैगी और मैडी रात होने से पहले उन्हें टॉप ऑफ द हिल पर पहुंचना था आई थिंक दैट्स वेयर द पिटनोस्ट सेट मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटल वाइस हाउट व्हाइट कलर का उन्हें घर दिखाई दिया बच्चों और मैडी ने कहा कि मुझे लगता है पिटनॉस्कीज यही रहते हैं विप्स ऑफ द ओल्ड ग्रास टक अपर एंड देयर वहां पर विप्स मतलब स्मॉल थिन पीसेज ऑफ ग्रास घास के विप्स जो थे इधर उधर पड़े हुए थे पाथवे के ऊपर फुटपाथ के ऊपर जैसे कि थिन किटन्स पतले से बिल्ली के बच्चे हो उस तरह से वो घास पड़ी हुई थी द हाउस एंड इट्स स्पास लिटिल यार्ड लुक शेबी बट क्लीन वो घर जो था बच्चों स्पास लिटिल मींस थिनली स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया छोटा सा था और वो शेबी पुअर कंडीशन में था लेकिन साफ सुथरा था इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस हर फेडड ब्लू कॉटन ड्रेस शेबी बट क्लीन इसे देखते ही यार आ गया मैडी को ड्रेस वही फेड हुई हुई ब्लू कलर की कॉटन की सूती ड्रेस जो कि शेबी तो थी पुअर कंडीशन में तो थी लेकिन हमेशा साफ सुथरी होती थी दे वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस वहां पर जिंदगी की कोई चिन्ह नहीं थे यानी कि कोई भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दे रहा था पैगी नॉकड फर्मली ऑन द डोर पैगी ने नॉक किया डोर के ऊपर बट दे वॉज नो आंसर लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई कोई उत्तर उन्हें नहीं मिला शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक अब वो बच्चों पीछे वाले डोर पर भी गए वहां भी नॉक किया बट कोई भी आंसर नहीं आया स्टिल देर वॉज नो आंसर देर वॉज नो डाउट अबाउट इट दीज व गाउ कु एवर मेक अमेंस तो कोई भी शक नहीं था कि पेटनोस्किस जा चुके हैं वहाँ से वहाँ पर कोई भी नहीं है हाउ कुड दे एवर मेक अमेंट्स अब वो अमेंट कैसे करेंगे पैचअप कैसे करेंगे सॉरी कैसे कहेंगे पश्चाताप कैसे करेंगे दे टर्न स्लोली एंड मेड दे वे बैक डाउन द हिल अब वो बच्चों धीरे धीरे वापस अपने रास्ते पर आ गए हिल से नीचे उतर रहे थे वेल एनी वे सेट पैगी शी इज़ गॉन नाउ सो वट कैन वी डू बिसाइड्स

मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हैड फॉर इफ देर वर एनी थिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली अब बच्चों मैडी जो थी वो उसकी आइडिया को ध्यान से सुन रही थी लेकिन स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो बुरा फील ना कर पाती बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप उस रात तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आई शी था अबाउट वेंडा एंड अ फेडिड ब्लू ड्रेस उसके पूरे रात उसके मन में विचार चल रहे थे वेंडा के और उसकी उसी ब्लू कलर की ड्रेस जो फेड हो चुकी थी जिसका रंग उड़ चुका था एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन और वो घर जो उन्होंने आज ही देखा था जिसमें वो रहती थी एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज हंड्रेड ड्रेसेज मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लास रूम और फिर बच्चों से वो चमकते हुए पिक्चर्स दिखाई दे रही थी उन्ही सौ ड्रेसेज की जो वेंडा ने पेंटिंग्स बनाई थी पिक्चर्स बनाई थी सारी एक पंक्ति में लगी हुई क्लास रूम के अंदर रूम नंबर थर्टीन के अंदर ए क्लास्ट मेडी सेटअप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉर हेड आखिरकार मैडी खड़ी हुई उसने अपने फोरहेड को सर को पकड़ लिया टाइटली हर हैंड्स एंड रियली थॉट बहुत तेजी से दबाने लगी वो और सोचने लगी दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल सोच थी उसकी जो उसने आज से कुछ भी सोचा था आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंची एक कंक्लूजन पर पहुंची

अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई दूसरा बच्चा दुर्व्यवहार कर रहा होगा पिकिंग ऑन सम्बन्ध मीन्स टीजिंग सम्बन्ध चिढ़ा रहा होगा चाहे उसका नाम फनी हो चाहे वो दिखने में अजीब हो या कुछ भी तो वो स्टैंड बाय करेगी उसका साथ देगी स्पीक अप बोलेगी चुप नहीं रहेगी जैसे वो वेंडा के साथ रही थी उसने कुछ भी नहीं बोला था इस बार वो बोलेगी मदद करेगी उस व्यक्ति की जिसका भी मजाक उड़ाया जा रहा होगा इवन इफ इट मैंट लूजिंग पैगी फ्रेंडशिप और इसका मतलब यह भी है अगर पैगी उससे अपनी दोस्ती तोड़ती है तो तोड़ दे लेकिन इस बार वो साथ देगी उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसको टीज किया जा रहा होगा शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा बट फॉर ना ओन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अन हैप्पी अगेन वेंडा के साथ तो उसे यह चांस नहीं मिला कि वह वेंडा की मदद कर पाती लेकिन अब वो और किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी चाहे मैगी उसकी दोस्त रहे चाहे ना रहे तो अब वो किसी को भी अनहैप्पी नहीं फील करने देगी चाहे वो अजीब दिखने में हो या उसका नाम स्ट्रेंज हो अजीब हो ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी तो शनिवार था बच्चों मैडी ने अपने दोपहर पैगी के साथ बिताई दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा प्रटनॉस्की इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राॅइंग्स वर एंड दे आस्क हर इफ शी लाइक फेर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक् हन न्यू टीचर तो बच्चों सेटरडे को दोपहर में वेंडा के बारे में मैडी और पैगी ने एक लेटर लिखा फ्रेंडली लेटर दोस्ताना जिसमें उसने बताया कि वेंडा कॉन्टेस्ट जीत चुकी हैं और उसकी ड्राइंग्स बहुत खूबसूरत थी सारा स्कूल उसकी प्रेस कर रहा था और वो कहाँ रहने गई है क्या उसको वो जगह पसंद आई क्या उसको अपना नया टीचर पसंद आया they had meant to say they were sorry but it ended up with them just writing a friendly letter the kind they would have written to a good friend and they signed it with lots of excess for love they mailed the letter to bogin heights and writing please forward on the envelope तो बच्चों वैसे तो उसने वो सॉरी फील करना चाह रहे थे अपने व्यवहार के लिए लेकिन स्टिल वो लेटर एक दोस्ती भरा लेटर ही रह रह गया लास्ट में उन्होंने लेटर के एंड में लिखा lots ऑफ लव, बहुत सारा प्यार और बच्चों वो उन्होंने bogin heights के पते पर भेजा और उस पर लिख दिया था प्लीज फॉरवर्ड कि यहां के रहने वाले जहां भी गए हैं इस लेटर को प्लीज वहां पर अग्रेषित कर दें आगे दें डे इज़ पास एंड देर वॉज नो आंसर कई दिन बीत गए लेटर का कोई उत्तर नहीं आया बट द लेटर डिड नॉट कम बैक लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया सो मे बी वेंडा हैड रिसिव शायद वेंडा का वो मिल गया हो पर हैज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर यू कुड नॉट ब्लेम हर और क्या पता वो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई हो उसको इतना बुरा लगा हो कि उसने पैगी और मेडिक का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा डा डिड नॉट आंसर हफ्तों बीत के बच्चों वेंडा की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया पैगी हैड बिगिन टू फॉग इट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचिज अबाउट वेंडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हुर ट्राइंग टू टीज हिथ हाउ मेनी ड्रेसेज हैवी गॉड तो बच्चों पैगी तो कुछ दिनों बाद भूल गई इन सारी बातों को लेकिन मैडी मैडी जो करेक्टर हमारी राइटर से बिलोंग करता है उसे नीट नहीं आ रही थी ना रातों को अब वो बेचारी अपने आप को रात को सुलाती स्पीच भाषण देते हुए वेंडा को बचाते हुए वो देखती वेंडा बहुत सारी लड़कियों के बीच घिरी हुई है जो उसको चिढ़ा रहे हैं पूछते हुए तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ लाइट टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप देन एवरीबडी वुड फील द वे यूज टू फील तो बच्चों और जैसे ही वेंडा अपने मुंह को थोड़ा सा टाइट करती बोलने से पहले जैसा वो आमतौर पर किया करती थी मैडे चिल्ला चुप हो जाओ मत करो ऐसा और फिर हर कोई शर्मिंदा महसूस करता कि जो वो वेंडा के साथ कर रहे थे उसके बारे में नाव इट वॉज क्रिसमस क्रिसमस का त्योहार बच्चों आने वाला था दे वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड बर्फबारी शुरू हो चुकी थी क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लास रूम क्लास रूम में भी बच्चों को क्रिसमस का पेड़ सजाया गया और उस पर बेल्ट लगाई गई ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर फॉर द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग और बच्चों स्कूल की छुट्टियों से पहले जो लास्ट दिन था मिस मैसन ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो उन्हें सुबह ही मिला था देखते हैं किसका लेटर मिला था You remember Wenda Pratnaski, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I'm glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you. अब बच्चों, तो Miss Mason कहती हैं, याद है बच्चों, Wenda Pratnaski, वो gifted लड़की, gifted means उसके पास इतना अच्छा talent था drawing करने का, छोटी सी हमारी artist class की, जिसने drawing competition जीता था, याद है बच्चों? वेल शी हैज़ रिटर्न मी उसने मुझे लेटर लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लेटर की वजह से मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ रहती है और अब मैं उसका मेडल जो उसने जीता है ड्राइंग कंपटीशन के बाद मैं उसको पहुँचा सकती हूँ आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू मैं तुम सब बच्चों को उसका लेटर सुनाना चाहती हूँ क्लास सेटअप विदन interest एंड लिस्ट इंटेंटली सारे बच्चे चुप हो गए बड़ा उन्हें इंटरेस्ट आ रहा था कि क्या लिख के भेजा है बेंडा ने? Intently. Intently बिल्कुल ध्यान से उन्होंने उस लेटर को सुना चलिए देखते हैं बच्चों क्या कहती है Dear Miss मैसन how आर यू एंड रूम नंबर थर्टीन मी डियर मिस मैसन आप कैसे हैं और रूम थर्टीन कैसा है यानी कि वहाँ पर सारे बच्चे कैसे हैं प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दो हंड्रेड ड्रेसेज बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव हंड्रेड न्यू वंस ऑल राइंड अप इन माई क्लाज तो बच्चों वो कहती हैं लड़कियों को बोल देना मिस मैसन कि वो उन हंड्रेड ड्रेसेस को रख सकती हैं क्योंकि मेरे पास मेरे नए घर में और भी हंड्रेड ड्रेसेस हैं सारी की सारी पंक्ति में लगी हुई हैं मेरी क्लाजट के अंदर मेरी अलमीरा के अंदर मेरी अलमारी के अंदर आई वुड लाइक द गर्ल पैगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग जो मिस मैसिन गोवेंडा कहती है कि जो उसने हरे रंग की ड्रेस बनाई है जिसमें लाल रंग की झालड़ लगी है वो पैगी को दे देना वो ड्रॉइंग एंड अ फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन और जो ब्लू नीले रंग की है वो मेडी को दे देना फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू अब क्रिसमस है मैं अपने पुराने स्कूल को आपको मिस कर रही हूँ और जो मेरे नए टीचर हैं वो बिल्कुल भी आप जैसे नहीं है आप बहुत अच्छी थी मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और सबको रूम नंबर थर्टीन में तो बच्चों ये लेटर वेंडा ने लिखा जिसमें उसने पैगी और मैडी के लिए एक एक जो पिक्चर थी ग्रीन कलर वाली पैगी के लिए और ब्लू कलर वाली मैडी के लिए दी है ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्थ द ड्राॅइंग्स वेरी केयरफुली तो बच्चों स्कूल से आते वक्त मैडी और पैगी दोनों ने अपनी ड्राॅइंग बहुत ध्यान से पकड़ रखी थी ऑल द हाउसेज हैड बेस्ट एंड होली इन द विंडोज सभी घर सजे हुए थे सभी घर ने अपनी रीत रीत क्या होती बच्चों फ्लावर्स एंड लीव्स अरेंज इन अ सर्कल गोल गोल सर्कल uh, के अंदर जब हम मालाएँ है, बनाते हैं फूलों की उसे कहते हैं रीत और होली होता है बच्चों अबुश विथ शाइनी लीवस जैसे तुम कह सकते हो एक क्रिसमस का पेड़ तुमने देखा होगा अभी मैंने पिक्चर भी दिखाई दी तुम्हें थोड़ी देर पहले वो अपनी विंडोज में सजा रखे थे आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज बर स्टेक ग्रॉसरी जो सामान घर का पंसारी है जिसको बोलते हैं उसके दुकान के बाहर बहुत सारे क्रिसमस के पेड़ थे स्टैग अरेंज्ड कर रखे थे वहां पर विंडो के ऊपर कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स उनको सजा रखा था बच्चों टॉफी से पेपरमेंट स्टिक्स से एंड कॉन्यू न्यू कॉपियस ये क्या होता है बच्चों डेकोरेटिव कंटेनर्स जो उनके कंटेनर्स थे या तुम कह सकते हो प्लांटर्स थे वो बड़े सुंदर सुंदर थे शाइनी चमकते हुए ट्रांसपेरेंट पेपर के बने हुए वर्ड स्ट्रंग वहाँ पर वो लटके हुए थे द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो तो पूरी तरफ क्रिसमस त्यौहार की जो खुशी थी वो छाई हुई थी स्नो के ऊपर अलग अलग तरह के रंग गिर रहे थे जिससे स्नो कलरफुल दिखाई दे रही थी तो तुम कह सकते हो पूरा फेस्टिविटी का वहां पर मौसम था त्यौहार मनाने के लिए सभी उत्साहित थे बॉय सेट पैगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस ओ पैगी ने कहा उसने हमें ड्राइंग गिफ्ट की है इसका मतलब वो हमें पसंद करती हैं इट शोज शी गोट लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट सेवरी थिंग एंड दैट्स दैट और शायद वेंडा को हमारा लेटर भी मिल गया हो और इस लेटर के जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है आई होप सो सेड मैडी सैडली मैडी बच्चों आज भी उदास थी उसने कहा हाँ मैं भी यही आशा करती हूँ शी फील सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन एंड कूड एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम उसे पता था अब वो टाइट चिपकाए हुए लिप्स वाली पॉलिश पोलैंड की लड़की से कभी नहीं मिल पाएगी और कभी उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थी जो उसने क्रिएट uh, की थी पैगी ने उसका मजाक उड़ाकर वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगी

देन hastily शी रब हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली फिर बच्चों जल्दी से उसने अपनी आँखों को साफ किया आंसुओं को साफ किया और इंटेंटली बहुत ध्यान से उस पिक्चर की ओर देखा द कलर्स इन द ड्रेस that विविड दैट scarcely नोटिस द फेस एंड head ऑफ द drawing. उस ड्रेस के बच्चों कलर्स इतने ज़्यादा सजीव थे कि उसका जिस पिक्चर ने वो ड्रेस पहन रखी थी उसके चेहरे की ओर तो ध्यान ही नहीं गया बट इट लुक लाइक ह

Let me see your picture. Peggy, Peggy, mujhe tumhari picture dikhao. What's the matter? asked Peggy. As they clattered up to her room where Vendor's drawing was lying,

एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर लुक लाइक पैगी और बच्चों उस पिक्चर का भी फेस और हेड बिल्कुल पैगी के जैसा था उसने पैगी की ही पिक्चर बनाई थी वॉट डिड आई सेट पैगी शी मस्ट हैियली लाइक दस एनी वे और पैगी ने कहा सच में वो हमें बहुत पसंद करती थी इसीलिए उनने इन पिक्चर के ऊपर हमारा ही चेहरा बनाया यस, शी मस्ट हैव हाँ बिल्कुल एग्रीड मैडी मैडी ने कहा एंड शी ब्लिंकड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी था ऑफ वेंडा और बच्चों जब भी वो बेंडा के बारे में सोचती उसकी आंखों में आंसू आ जाते स्टैंडिंग अलॉन्ट सनी स्पॉट इन द स्कूल और वो कैसे सोचती वेंडा को कि स्कूल के बगीचे के अंदर एक सनी स्पॉट के अंदर जहाँ पर सूर्य की रोशनी आ रही थी वहाँ पर बेंडा खड़ी है लुकिंग स्टॉलिडली ओवर द एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स वहाँ पर वो विदाउट एनी फीलिंग खड़ी है बिना किसी भावों के खड़ी है एक ग्रुप के अंदर लड़कियों के जो उसके ऊपर हंस रहे हैं आफ्टर शी हेड वॉक रॉफ जैसे ही वो चली जाती है तब आफ्टर शी हेड सेड श्योर अनहंड्रेड ऑफ दम ऑल एंड अप और वो लड़कियों को क्या क्या कर जाती है हाँ मेरे पास हैं सौ ड्रेसेस सारी की सारी एक पंक्ति में लगी हैं मेरी क्लोज़ेट के अंदर मेरी अलमारी के अंदर तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी द हंड्रेड ड्रेसेस हमें क्या लेसन मिला बच्चों इस स्टोरी से बहुत ही अच्छा मॉरल लेसन ये स्टोरी हमें देती है एंड द लेसन दिस स्टोरी गिव्स अस दिस लेसन टीचिज अस दैट नोट टू हर्ट एनी बडी फीलिंग हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए तो आप इस बात को ध्यान कर लें होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेसन लेसन फाइव एंड लेसन सिक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रणाला ब्लॉक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर टेक केयर ऑल ऑफ़ यू